मैं अपने इलाके में किसी भी मनुष्यात फरोश को रहने नहीं दूंगा। पाँच सौ पचास लीटर ये मुलजिम जो है ये घर में शराब तैयार करके सप्लाई करता है। मुलजिम को गिरफ्तार किया। जो हमारी आने वाली नस्ल है उनको तबाही से बचाया जाए। मुखबिर की मुसद्दिक का इतला थी कि मुलजिम अपने घर में शराब तैयार करके सप्लाई करता है। आज जनाब डीपीओ साहब डेरा कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हसनैन लियाकत साहब के खसूसी अहकाम के पेश नज़र मेरी निगरानी में एसएचओ प्रोवा परवेज शाह ओ व पुलिस पार्टी ने मुलजिम के घर पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान नहायत हिकमत अमली से छापाजनी करके मुलजिम को घर में मौजूद पाया। खाना तलाशी के दौरान मुलजिम के घर से 550 लीटर शराब और शराब बनाने वाले आलात और दो अदद 30 बोर पिस्तौल बिला नंबर के बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। अंदाजे के मुताबिक ये तो 550 लीटर हमने जो से अपने हिसाब से देखा है इसमें तकरीबन 550 लीटर बनता है। इसके अलावा जो है कुछ बोतलें हैं जो इन्होंने मुख्तलिफ किस्म कंपनियों के बोतल हैं डेढ़ लीटर लीटर के उस हिसाब से कोई 50 के करीब बोतलें हैं। उसमें यह है कि हम चूँकि हमारे रोज़ाना की बुनियाद पर दूसरे तीसरे दिन के उस पर हमारा सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन होता है इलाके में, उसी सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान मुखबिर ने आके हमें इतला दी है और उसने इस मुलजिम के बारे में हमें बताया, मुसद्दिक का इतला दी कि ये मुलजिम जो है ये घर में शराब तैयार करके सप्लाई करता है। चूँकि हमारे पास सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान पूरी नफरी लेडीज़ पुलिस और इसके अलावा हमारे पास साथ इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका होते हैं उनमें से दो चार बंदे हमारे साथ होते हैं तो उसी में हम कार्रवाई करते हैं। तो चूंकि आज भी हमारा सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन था और उसी दौरान हमें इत्तला मिली उसी हिसाब से हम आज गए हैं और इस मुलजिम को घर में मौजूद पाकर इसको गिरफ्तार किया और इसके घर से जो से शराब जो तैयार पड़ी हुई थी और जो आलात हैं जो शराब बनाने वाले आलात हैं वो भी हमने उसके घर से बरामद किए हैं और मुलजिम को गिरफ्तार किया। जो हमारी नई नस्ल है जो जो हमारे माशरे के लोग हैं जो हमारे हमारे माशरे में जो जो बच्चे हैं जो तालिबे इल्म हैं जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं उनमें ये चीज़ जो है बड़ी तेज़ी से फैल रही है और इस चीज़ को रोकने के लिए और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और माशरे से इस चीज़ को पार करने के लिए हम दिन रात इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस चीज़ को हम जितना हो सके हम ख़त्म करें। और इन मनुष्यत फरोशों को तो मेरा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एक पैगाम है वो ये है कि मैं अपने इलाके में किसी भी मनुष्यत फरोश को रहने नहीं दूंगा, उसको मैं उसके घिर में घेरा इतना तंग कर दूंगा कि वो कम अज़ कम और ना हो तो मेरा इलाका छोड़कर भागने पर मजबूर कर दूंगा मैं उनको। यही मेरा पैगाम है उन लोगों के लिए कि तो बताइफ हो जाएं अपने इस बेहुदा काम से और अगली जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको तबाही से बचाया जाए।